हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन ब्रैनिया के फीवर के बारे में। दोस्तों ब्रैनिया में फीवर के क्या क्या लक्षण मिलते हैं, आज हम उसी बारे में बात करेंगे। दोस्तों ब्रैनिया की आवश्यकता तब पड़ती है जब म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो जाए, और ये कंडीशन दोस्तों आपको अक्सर देखने को मिलती है जब भी मौसम चेंज होता है। मतलब जब भी ठंडक से गर्मी वाला जब मौसम आता है, जो ये ऋतु परिवर्तन होता है, इस दौरान आपको ज़्यादातर सिम्टम्स आपको ब्रैनिया के देखने के आएंगे। तो ऐसी कंडीशन दोस्तों ब्रैनिया बहुत अच्छा काम करती है। ब्रैनिया के जो सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, चूँकि ब्रैनिया के बारे में थोड़ा ये समझ लें कि ये काम कैसे करती है। ब्रैनिया का जो काम होता है दोस्तों, ये होता है म्यूकस मेम्ब्रेन को ड्राई करने का। मतलब जब ये शरीर के अंदर जाती है, जब किसी एक नए पर्सन को या किसी ऐसे व्यक्ति को इसका इस्तेमाल कराया जाता है, बिल्कुल स्वस्थ है, जब इसकी प्रूविंग कराई जाती है, तो देखते हैं कि जितने म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं उसको ये ड्राई कर देती है। ड्राई करने से क्या होगा कि अब म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ पे है, कि आप देखिए मुंह के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है, लेकर पूरा एलिमेंट्री कैनाल म्यूकस मेम्ब्रेन का बना हुआ है। इवन आपके नाक में, सिर के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है, आपके सीने में, फेफड़े के अंदर म्यूकस में, दोस्तों जहाँ जहाँ पे भी म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे उसको ड्राई कर देता है। ठीक है, अब जब ये ड्राई कर देता है तो इसके सिम्टम्स कैसे आएंगे? मुंह के अंदर देखेंगे सूखापन रहेगा दोस्तों। ठीक है, अंदर एलिमेंट्री का ना अंदर ही पूरी सूखी रहेगी, स्टूल पास होगा तो ड्राई होगा, सूखा होगा। ठीक है, चूंकि म्यूकस मेम्ब्रेन सूखी हुई है, सिर के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन सूखने की वजह से क्या होता है, खिंचाव होता है, स्टिचिंग पेन, चुभने वाला दर्द महसूस होता है दोस्तों। इसको बड़ा खास सिम्टम होता है ब्रैनिया के पेशेंट का, कि इसका जो दर्द होता है, चुभने वाला दर्द होता है, दबाव देने पे आराम मिलता है। ठीक है, पेशेंट को दोस्तों जब भी फीवर की कंडीशन होगी तो वहाँ पे आप देखेंगे पेशेंट को फीवर होगा, सिर में भारीपन, दर्द होगा, चूँकि म्यूकस मेम्ब्रेन सूखी होगी, जीभ उसकी सूखी होगी, मुँह सूखा होगा, आप गले में इधर सूखा होगा, लैट्रिन होगी उसकी सूखी होगी। पेशेंट को दोस्तों चुपचाप पड़ा रहना अच्छा लगता है, पेशेंट बिल्कुल नहीं चाहता कि उसको कोई भी बोले, कोई भी डिस्टर्ब करे। तो ऐसे पेशेंट को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल चुपचाप पड़ा रहना चाहता है, जैसे मूवमेंट करता है तो उसकी तकलीफें बढ़ जाती है दोस्तों। ये इसका बड़ा खास सिम्टम है। तो वैसे पेशेंट के लिए बहुत अच्छा काम करती है ब्रैनिया। और दोस्तों ऐसे पेशेंट को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके कुछ सिम्टम्स हैं जिसको बोलते हैं रेड लाइन सिम्टम्स, आप उसको ध्यान दीजिए, उससे आपको फाइंड आउट करना आसान रहेगा। ब्रैनिया के पेशेंट का कभी भी आप पहले उसका जीभ देखिए, मुंह देखिए, होठ देखिए, होठ उससे सूखे सूखे मिलेंगे आपको, जीभ सूखी रहेगी। पेशेंट को बिल्कुल चुपचाप रहना पसंद करता है, बिल्कुल बोलना पसंद नहीं करता है, चलना फिरना कतई पसंद नहीं है उसको, बिल्कुल रेस्ट में उसको आराम मिलता है। जब फीवर की कंडीशन होता है चुपचाप पड़ा रहता है। ठीक है, पेशेंट को स्टूल के बारे में अगर आप पूछेंगे तो बताएगा कि स्टूल ड्राई होता है, सूखी लैट्रिन होती है, और सिर में भारीपन होता है, दर्द होता है, बदन में दर्द कम होता है, सिर में दर्द थोड़ा होता है भारीपन की वजह से। वहीं पर दोस्तों अगर बदन में बहुत ज़्यादा दर्द हो, हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो, मुँह सूखा रहे, प्यास भी रहे, पेशेंट को चलना फिरना अच्छा लगे, चलने फिरने से पेशेंट को आराम मिले, चुपचाप जब बैठ जाए तो उसकी तकलीफें बढ़ जाएँ दोस्तों। यहाँ पे इसका उल्टी जो दवा है, या इसको बोलते हैं कि जो यहाँ पे दूसरी दवा यूज़ में आती है, वो आती है रस्ट्रॉक्स। इसकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन भी है ब्रैनिया की, और अक्सर ब्रैनिया के बाद रस्ट्रॉक्स की आवश्यकता पड़ जाती है दोस्तों। लेकिन इसके जो सिम्टम्स होते हैं ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, इसके ठीक उल्टा सिम्टम होता है दोस्तों। म्यूकस मेम्ब्रेन पे ये भी काम करती है, लेकिन इससे जो काम होता है, यह मुँह के अंदर सूखापन तो होगा लेकिन प्यास भी होगी, लेकिन इसका जो पेशेंट होता है उसको बेचैनी सी होती है, वो चुपचाप एक जगह रहना अच्छा नहीं लगता, वो चलता फिरता रहता है तो उसको अच्छा लगता है, चुपचाप बैठ जाता है तो उसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। रात के वक्त में पेशेंट बिस्तर में जाता है तो उसकी तकलीफें बढ़ जाती है, दर्द बढ़ जाता है। पेशेंट को अगर आप जीभ देखेंगे तो उसकी जीभ पे आपको दांत के निशान मिलेंगे, और आगे ट्राई एंगुलर टिप, जो दांत का आगे का जीभ का जो आगे का पोर्शन होता है वहाँ पे जीभ वो थोड़ी सी लाल रंग की ट्राई एंगल टाइप की बनी होती है दोस्तों। तो ये सिम्टम पे आप ब्रैनिया को और रस्ट्रॉक्स को अलग कर सकते हैं दोस्तों। इसका मैंने बताया मोडलिटी जिसको होती है एग्रेवेशन और एमुलेशन। एग्रेवेशन मतलब किसी तकलीफ का बढ़ जाना, और एमुलेशन मतलब तकलीफ का में आराम मिलना, ये आप लोग जानते ही होंगे। तो ये बिल्कुल डिफरेंट होता है ब्रैनिया और रस्ट्रॉक्स का। ठीक है, बाकी हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो वहाँ पर रस्ट्रॉक्स, सिर के अंदर भारीपन, दर्द हो, बदन में हल्का फुल्का दर्द हो, मुँह सूखा हो,
जीभ चट चट करती हो, इस टाइप की फीलिंग आ रही हो, वहाँ पे ब्रानिया देते हैं दोस्तों। दोस्तों ये दोनों का डिफ्रेंशिएट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और दोस्तों आज की बात बस इतनी है, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर भी करिएगा, ताकि और भी लोगों को इससे फ़ायदा मिले। किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहते हैं दोस्तों, तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। इस टॉपिक के बारे में आपको वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस बारे में और भी ज़्यादा आपको जानकारी देने की मैं कोशिश करूँगा दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।